अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपको जलाल, वेलकम करता हूं आप सभी को अपने चैनल न्यू जॉब्स इन पाकिस्तान। सो दोस्तों, आज के इस दिन के साथ हम आपको न्यू अपडेट देते चले, स्पेशली दोस्तों पीएमए 149 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। हम आपको इस वीडियो में पूरा उसका अप्लाई करने का तरीका और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सब बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो दोस्तों आपको इस बात का तो पता होगा कि पीएमए जब भी आती है तब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी होती है। आपको पाकिस्तान आर्मी की साइट पर जाना होगा और यहाँ पर जॉइन पाकिस्तान आर्मी यानी कि कमीशन ऑफिसर, एज अ कमीशन ऑफिसर 149 पीएमए लॉन्ग कोर्स का कोर्स डिटेल अगर देखना है, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी, आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ तक के हमने ये भी बताया था कि पीएमए 149 जो है वो 20 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक आएगी, बट पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दी है, और इसी के साथ साथ आपको ये कहूँगा कि दोस्तों आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है। आपको हम अप्लाई करने का पूरा तरीका बताएंगे। 4 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन होगी और 11 नवंबर से लेकर 11 जनवरी 2022 तक इसके टेस्ट होंगे। दोस्तों इसके लिए जेंडर जो है वो मेल दरकार है, इंटरमीडिएट जिसने की होगी उसके लिए एज 17 से 22 साल होनी चाहिए, ग्रेजुएट 2 साल की जिसने की है उसके लिए 17 से 23 साल एज दरकार है, जिसने 4 साल का बीएस ऑनर किया है उसके लिए 17 से 24 साल एज दरकार है, नो एज रिलैक्सेशन और सर्विंग आर्मी सोल्जर के लिए 17 से 25 साल एज दरकार है। ये इसकी क्वालिफिकेशन के लिए है। इसके अलावा अकेडमिक्स के लिए इन्होंने मिनिमम 55% मार्क्स रखे हुए हैं FSC में, और इसके अलावा 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस इसका अनमैरिड है, और अगर सर्विंग सोल्जर है और शादीशुदा है तो 20 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, वो एलिजिबल होगा। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वेरिफिकेशन और मार्कशीट यानी कि कोई जाली दस्तावेजात नहीं होनी चाहिए आपकी उनके ऊपर, यानी कि वेरीफाइड होनी चाहिए, वेरीफिकेशन होना चाहिए, कंट्रोलर के दस्तखत, यूनिवर्सिटी का सब कुछ उसके ऊपर बयान होना चाहिए। साथ ही साथ फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिज़िकल स्टैंडर्ड मिनिमम हाइट इसके लिए 5 फुट 4 इंच दरकार है। पीएमए 149 के लिए 5 फुट 4 इंच हाइट इन्होंने रखी हुई है, और आप लोग ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो है बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बलूचिस्तान और जितने भी बाकी यानी कि या जो से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पढ़ाई करना बहुत दुश्वार है, मुश्किल से की जा रही है, उनके लिए जो से परसेंटेज है मार्क्स परसेंटेज वो उसमें रिलैक्सेशन इन्होंने दी हुई है। और वेट जो है एज पर बॉडी मास इंडेक्स आपका होना चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने नीचे इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन किए हुए, वो आप फिर तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। हम अभी जाते हैं डायरेक्ट फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। इन एलिजिबिलिटी बस यही है कि ट्वाइस, 2 दफ़ा आप रिजेक्ट नहीं होने चाहिए ISSB के लिए, या भगोड़ा बंदा नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। डिफरेंट इन्होंने क्राइटेरिया इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, ये आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। हम जाते हैं डायरेक्ट, अभी आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बताते हैं। दोस्तों आपको अब क्या करना है, आपको वेबसाइट पर आना है और वेबसाइट के होम पर क्लिक करना है। होम पर जाते साथ ही आपको लिखा आएगा PMA 149 लॉन्ग कोर्स, उसके नीचे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर। आपने क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसे क्लिक करेंगे एक बड़ा सा फॉर्म आएगा। दोस्तों इस पूरे फॉर्म को आपने बहुत ही एहतियात से, ख्याल से और सही पुर करना है, ठीक है। अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, कुछ भी हुआ, तो उसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं फॉर्म के अंदर इन्होंने लिखा कोर्स के साथ एक स्टेरिक लगाया हुआ है, तो ये स्टेरिक का मतलब ये है कि ये बॉक्स आपने ज़रूर फिल करना है। अभी टेस्टिंग सेंटर आपने सेलेक्ट कर देना है अपनी सिटी के मुताबिक, जो आपके सिटी के करीब होगा वही आपने सेलेक्ट कर देना है। नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर उसके बाद अपना CNIC नंबर लिखना है जो वे फॉर्म पर लिखा हो, ठीक है, वही आपने लिखना है, और फिर अगेन वही लिखना है, वही CNIC नंबर लिखना है, फिर फादर या जो भी आपका सरपरस्त है उनका नाम लिखना है, उनके CNIC नंबर लिखना है, और फिर उसके बाद आपने अपने फादर का प्रोफेशन कैटेगरी लिखना है। अगर आपके फादर आर्मी से रिटायर है तब आप आर्मी का लिख देना, मेंशन कर देना है, अदरवाइज और भी इसमें मेंशन किए हुए, बिजनेस, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे इन्होंने अंदर मेंशन किए हुए हैं जॉब्स को, कैटेगरीज को।
फिर फादर प्रोफेशन आपने डिटेल कर देना, फादर का रैंक। अब ये आर्मी वालों के लिए ये इन्होंने रैंक मेंशन किया है कि आपके फादर अगर आर्मी में आए तो क्या रैंक है आपके फादर का। और इन्होंने ऊपर देखें, इस फादर रैंक के ऊपर स्टेरिक नहीं है, यानी कि ये आप अगर फिल ना भी करें तो कोई मसला नहीं, तो आप इसको खाली छोड़ दें। ठीक है, खाली कैसे छोड़ना है, यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर आपने क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके, तो ये खाली छोड़ दिए। इसके अलावा अगर आपके फादर आर्मी में थे तो आर्मी का नंबर क्या था उनका, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स आता है फादर रेजिमेंट कॉप्स, ठीक है, फादर पेरेंट यूनिट क्या है, फादर का स्टेटस क्या है, वो फौत हो गए हैं या शहीद हो गए हैं, ठीक है। फादर की इनकम क्या चल रही है, प्लेस ऑफ डेथ क्या है, अगर वो शहीद हुए तो उनका प्लेस ऑफ डेथ क्या है, फादर नेचर ऑफ डेथ क्या है, ठीक है। और इसके अलावा फादर किस ऑपरेशन में यानी कि गए थे, प्लेस ऑफ ऑपरेशन क्या है, फादर टाइप ऑफ इंजरी माइनर है या मेजर है, ठीक है, उनकी इंजरी के बारे में पूछा गया है। फिर आपकी फिर वालदा के बारे में पूछा गया कि वालदा का नाम क्या है, वालदा की सेन ऐसी क्या है, उनका रैंक वगैरह, उनका भी प्रोफेशन के बारे में पूछा गया अगर वो आर्मी सर्वेंट है। इसके अलावा आप ये देख, ये जो भी पूछा गया है कि प्लेस ऑफ डेथ वगैरह, ये जिनके फादर यानी कि शहीद हैं या उनके लिए यानी कि ये स्पेशली पूछा जाता है। तो फिर नीचे आता है मदर का रैंक उन्होंने पूछा हुआ है, मदर का आर्मी नंबर, उनका रेजिमेंट को, पेरेंट यूनिट भी पूछा है, मदर स्टेटस जिंदा है या फोत होगी, उनकी इनकम, फादर का एजुकेशन, मदर की एजुकेशन, सिबलिंग्स में आपने लिखना है कि आपके भाई बहन कितने हैं, ठीक है, ये सारा कुछ आपने डिफाइन करना है। और फिर उसके बाद पोस्टल कोड को आप देखें, तो पोस्टल कोड मोस्टली हमारे जो होते हैं स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो आपने क्या करना है, आपने पोस्टल कोड के लिए ना अपने गूगल पर जाना है और वहाँ पर लिख देना है कि पोस्टल कोड रावलपिंडी या पोस्टल कोड कराची, या अपने सिटी का नाम ही सिर्फ लिख दें, ठीक है, जिस इलाके में आप रह रहे हैं आप वो लिख दें, तो आपके इलाके का पोस्टल कोड आपको नेट पर मिल जाएगा, वही आपने ले के लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और तहसील के बारे में लिखा है, तो डिस्ट्रिक्ट जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे आपको तहसील के बारे में नहीं लिखाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, तो डोमिसाइल मैं रावलपिंडी सिलेक्ट करता हूँ और इसी तरह मैं डिस्ट्रिक्ट को भी रावलपिंडी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इनको सेलेक्ट करूँगा तब मेरे पास जो तहसील का बॉक्स है उसमें लिखा आ जाएगा, ठीक है, अभी भी नहीं लिखा आ रहा। अभी डिस्ट्रिक्ट जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तब मुझे आ जाएगा कि हाँ भी इस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी तहसीलें हैं। जैसे कि मैं अभी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी इसमें सेलेक्ट करूँगा तो तहसील मुझे रावलपिंडी की सारी शो हो जाएंगी और जिस तहसील में हम रहते हैं हम वही सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी कीजिएगा, ये अभी तहसीलें आ गई हैं, तो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी तहसील टेक्सला, सो प्रोविंस, ये सारा कुछ आपने सेलेक्ट कर देना है, एड्रेस अपना मेंशन, परमानेंट एड्रेस आपने लिख लेना है, साथ ही साथ फिर आपने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी लिखना है और जेंडर को भी मेंशन कर देना है, अनमैरिड है या मैरिड है वो सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, सेक्ट यानी कि फ़िरका वगैरह के लिए इन्होंने स्टेरिक नहीं लगाया, ये आप तसल्ली से कर लीजिएगा। अब नॉन मुस्लिम के लिए भी इन्होंने पूछा हुआ है और कास्ट क्या है, ठीक है, ज़ात वगैरह आपकी क्या है वो भी आपने लिख देना है अंदर। और इसके अलावा फिर आता है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर स्पेशली आपने ज़रूर लिखना है, ईमेल अपना ज़रूर लिखना है, फ्रेश कैंडिडेट है या नॉट रिकमेंडेड हुए हैं कहीं ISSB से। इसके अलावा आपने पहले कहीं अप्लाई किया, अगर पहले भी PMA 148 में अप्लाई किया और आप ना गए वो भी आप लिखने अंदर, ठीक है। तो बाकी अगर नॉट रिकमेंडेड नहीं हुए तब आप फ्रेश ही हैं, अदरवाइज एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस अगर आपकी सर्विंग पे है तब आप लिख दें, अदरवाइज नो कर दें। पासपोर्ट नंबर है तो लिख दें, नहीं तो ना लिखें, टाइप ऑफ पासपोर्ट है तो कर दें, अदरवाइज नहीं करें, ठीक है। ये वाले जो से इन पर स्टेरिक नहीं लगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर एक स्टूडेंट के पास पासपोर्ट हो। फिर एजुकेशन के बारे में आती है, एजुकेशन में इन्होंने मैट्रिक का सबसे पहले पूछा है, तो दोस्तों मैट्रिक में आपने मैट्रिक साइंस किया हुआ है, आर्ट्स किया हुआ है, जिसमें भी किया है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर इन्होंने रिजल्ट का स्टेटस पूछा हुआ है, इन्होंने रोल नंबर पूछा हुआ है, पासिंग ईयर क्या है, मार्क्स ऑब्टेन किया है, टोटल मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज क्या है, स्कूल या इंस्टीट्यूट बोर्ड क्या है, फेडरल बोर्ड है या पिंडी बोर्ड या जो भी आपका हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इसी तरह इंटरमीडिएट के लिए इन्होंने पूछा हुआ है, यानी कि FSC, ICS, ICOM जो भी आपने किया है वो आपने सेलेक्ट कर देना है, रोल नंबर, पासिंग ईयर,
वही चीज़ें आपने लगा देनी है, स्कूल इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके बोर्ड अपना सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो फिर इसके ये इसमें आपके पास बोर्ड होते हैं तमाम। फिर आता है थर्ड पे हमारे पास बैचलर आ जाता है। बैचलर में वही चीज़ें ग्रुप्स हैं, रोल नंबर आपका ये यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ऑब्वियसली पूछते हैं, पासिंग ईयर्स और मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, ये इनके ऊपर काफ़ी के ऊपर इनके ऊपर तो स्टेरिक नहीं लगे, अगर फिल करना हो तो फिल कर दें, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं इनको। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप बैचलर बेस पे अप्लाई करें फिर आपने फिल ज़रूर करना है। अगर अदर क्वालिफिकेशन है, कोई कोर्स वोर्स किया हुआ है वो भी आप इसमें शो करा सकते हैं, या इंग्लिश स्पोकन कोर्स किया हुआ है, कुछ भी किया हो वो आप इसमें शो करा सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख सकते हैं। फिर नीचे इन्होंने लिखा हुआ है ये ब्लैक से जो सा पैराग्राफ है, इसमें इसको आपने टिक मार करना है। इसका मतलब ये है कि आपने जितना भी ऊपर का डाटा दिया है, डाला है, फिल किया है, ये सारा दुरुस्त है, और अगर ये गलत निकला तब आपके ऊपर आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है जीएचक्यू की तरफ से, और कोई भी कार्रवाई भी की जा सकती है। फिर इसके बाद आपके पास आता है ये नीचे बॉक्स, आपके सामने ये इमेज शो हो रहा है, आप इस इमेज को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये लिखना है EOFIFVZ, ये जैसा लिखा हुआ है वही आपने लिखना है इस बॉक्स में और रजिस्टर कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको ये जैसे ही लिखेंगे आपने रजिस्टर कर देना है। आपने अगर पूरा फॉर्म फिल किया हो, कोई भी स्टेरिक वाला बॉक्स ना छोड़ा हो, तब आपका फॉर्म चला जाएगा सबमिट के लिए, सबमिशन के लिए चला जाएगा। और याद रखिए ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तब 48 आवर लगते हैं, 48 आवर के बाद आपको आपके पास फॉर्म आएगा। अगर आप एलिजिबल हुए तब आपके पास फॉर्म आ जाएगा कि हाँ भी आपका टेस्ट इस दिन होगा, अदरवाइज़ बल्कि अगर आपके नंबर कम हुए वो इसी टाइम आपको बता दें कि आपके नंबर कम हैं, आपकी एज ज़्यादा है, आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो के आप रजिस्टर करके सबमिट करा सकते हैं। तो अब तक के लिए दोस्तों आपके साथ इतनी अपडेट शेयर करनी थी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।